मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है। आज हम पैलीमोन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, पैलीमोन का जो श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, उसमें सबसे मुख्य श्वसन अंगों के बारे में बात कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। पैलीमोन का जो श्वसन तंत्र है सुविकसित होता है तथा मूल रूप से तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे क्लोमा वर्कों के आस्तर, जिनको लाइनिंग ऑफ बेंक्यूजाइट्स या गिल कवर्स कहते हैं। दूसरे नंबर पे है तीन जोड़ी अधिपादांश या एपिपोडाइट्स, और साथ ही तीसरे नंबर पे 8 जोड़ी गिलों या क्लोमों से मिलकर ये बना होता है। ये सब अंग जो है वक्स के दोनों ओर दो बड़े तथा संकुचित गिल कोष्ठों यानी गिल चैम्बर्स में सुरक्षित रहते हैं। प्रत्येक जो गिल कोष्ठ है वो अंदर की ओर वक्स की पार्श्व भित्ति या एपिमेरोन द्वारा बाहर की ओर कैरापेस या क्लोमा वृक्कों द्वारा आवृत रहता है। गिल कोष्ठ आगे, नीचे और पीछे की दिशाओं में खुले हुए होते हैं। सबसे पहला ले रहे हैं अपन क्लोमा वृक्कों का आस्तर, लाइनिंग्स ऑफ ब्रेंक्यूस्टजाइट्स। क्लोमा वृक्कों के अंदर का जो आस्तर होता है वो पतला, झिल्लीवत और अत्यंत परिसंचारी यानी वैस्कुलर होता है, जिसमें छोटे छोटे रुधिर अवकाश होते हैं। दोनों जो आवरक है वो मिलकर श्वसन सतहों का निर्माण करते हैं, जो जल में घुली ऑक्सीजन को यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्प्शन कर लेती हैं, अवशोषण कर लेती हैं, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को बाहर त्याग देती है। दूसरा है अधिपादांश या एपिपोडाइट्स। ये साधारणतया पत्ती के समान फोलियसियसस, अत्यंत परिसंचारी, तीन जोड़ी अध्यावरणी उद्धार्त होते हैं, जो तीनों जोड़ी जंब पादकों यानी मैक्सिलिपीड्स कक्षांग खंडों से निकले होते हैं और जंबिकाओं मैक्सिली के प्रवाहकों या स्केफोग्नेथाइटों के नीचे गिल कोष्ठों के अग्रभाग में स्थापित रहते हैं। प्रथम जोड़े के अधिपादांश अन्य दो जोड़ों के अधिपादांशों की अपेक्षा बड़े और द्विपालित होते हैं। ये भी आदि गिलों की भांति श्वसनांगों का कार्य करते हैं। तीसरा है गिल्स के बारे में बात करें। प्रत्येक गिल कोष्ठ में 8 गिल होते हैं, परंतु जब गिल आवरण को हटाया जाता है तो हमें केवल 7 गिल ही दिखाई देते हैं, क्योंकि 8वां जो गिल है वो द्वितीय गिल के पृष्ठभाग के नीचे छिपा हुआ रहता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे कि जो पैलीमोन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर सामान्यतया गिल कोष्ठ में 8 गिल्स होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से हमें केवल 7 गिल्स ही दिखाई देते हैं, क्योंकि 8वां जो गिल है वो जो सेकंड नंबर का जो गिल है, द्वितीय गिल है, उसके पृष्ठभाग के नीचे छिपा हुआ रहता है। गिलों के प्रकार टाइप्स ऑफ गिल्स में देखिए, अपनी उत्पत्ति एवं जुड़ने के स्थान के अनुसार गिलों को हम मूल रूप से तीन प्रकार के मानते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला पोडोब्रेंक या पाद गिल, फुट गिल। ये एक उपांग के कक्षांग से जुड़ा रहता है और पैलीमोन में दोनों दूसरे जंब पदकों यानी मैक्सिलिपीड्स के कक्षांग ओक्सा से एक एक पाद क्लोम जुड़ा हुआ रहता है। दूसरा है ऑर्थोब्रैंक प्रकार का, या इसको संधि गिल या जॉइंट गिल कहते हैं। यह उपांग के शरीर से जुड़ने के स्थान पर पाई जाने वाली संधिकारी कला या आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। प्रत्येक तीसरे जंब पादक पर दो संधि क्लोम होते हैं। दूसरा संधि क्लोम पहले की अपेक्षा छोटा होता है और पहले के नीचे छिपा हुआ रहता है। तीसरे प्रकार का जो गिल है वो प्लूरोब्रैंक प्रकार का होता है, इसको हम पार्श्व गिल या साइड गिल कहते हैं। उस खंड की पार्श्व भित्ति से जुड़ा होता है जिसके साथ ये उपांग जुड़ता है। प्रत्येक ओर के अंतिम 5 गिल पार्श्व क्लोम होते हैं, जो उन वक्षीय खंडों की पार्श्ववर्ती भित्ति से जुड़े होते हैं, जिनमें 5 टांगे जुड़ती है, वॉकिंग लेग्स जुड़ती है। इसके बाद में हम देखो एक डायग्राम, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं,
ये दोनों गिल पोस्टों को स्पष्ट करता हुआ शिरोवक्ष का हाथ से काटा हुआ एक अनुप्रस्थ परिच्छेद है, जिसमें स्पष्ट रूप से हम बिल्कुल बीच में स्टर्नम देख रहे हैं और हमारे लेफ्ट साइड में वेंट्रल थोरेसिक आर्टरी है और राइट साइड में आर्टरी टू लेग्स, जो वॉकिंग लेग्स में पांच जोड़ी जो चलन टांगें जिनमें जाती है। इधर राइट साइड में देखिए थोरेसिक लेग है, वेंट्रल साइनस है, एंडोफ्राम है और एफरेंट ब्रेंकियल चैनल्स है, ब्रेंकियोस्टेजाइट, एक गिल कवर आप गिल क्लोमावरक के रूप में देख रहे हैं, एफरेंट ब्रेंकियल चैम्बर्स भी दिख रहे हैं आपको, मिड गट बीच में बिल्कुल, और एक्सटर्नल आर्टरीज है, एक्सटेंसर मसल्स है, कैरापेस ऊपर का आवरण जो है, हार्ट बिल्कुल ऊपर की ओर, ऑस्टियम जो है हार्ट पे जो छिद्र है, पेरिकार्डियल साइनस है, गोनेट्स जनन जनत जो है, हेपेटो पेनक्रियाज जो है, यकृत अग्नाशय, फ्लेक्सर मसल्स है, एपिमोरोन है, गिल चैम्बर्स वापस से, वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन मास, गिल्स, नर्व टू लेग, आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन्स इत्यादि। दूसरे डायग्राम में देखिए गिलों को स्पष्ट करने हेतु उसका खोला गया जो बाया गिल कोस्ट है उसमें दिखा रखा है। तो बाया गिल कोस्ट खोलने पर देखिए गिल चैम्बर है, गिल चैम्बर के अंदर गिल्स हैं और इसके अंदर एपिपोडाइट्स हमें दिख रहा है, और इसके अलावा देखिए आप पोडोब्रैंक दिख रहे हैं, आर्थ्रोपोडियल ब्रैंक्स है, प्लूरोब्रैंक्स प्रकार के 1 से 5 तक है, संधिकारी वाले जो 1 से 2 तक हैं, वॉकिंग लेग्स नीचे की ओर है, मैक्सिलिपीड है, और इसका फिर एक पर्ण क्लोम जो है पत्तीनुमा जो क्लोम है उसका डायग्राम भी आप देखिए, 2 रोज ऑफ गिल प्लेट्स की नीचे की ओर है, गिल प्लेट्स बिल्कुल मीड में, मीडियल लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव भी हमारे को स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई देती है। के बाद में हम आगे चल रहे हैं, देखिए क्लोम सूत्र ब्रैंकियल फॉर्मूला की बात करें, झींगे के प्रत्येक जो है गिल कोस्ट में, पेलिमोन के प्रत्येक गिल कोस्ट में श्वसनांगों की संख्या और उनकी स्थिति एक क्लोम सूत्र के द्वारा हम निरूपित कर सकते हैं, और इसको सारणी में दिखाया गया है जो कि शायद यहाँ प्रदर्शित नहीं है। देखिए अब आगे चल रहे हैं गिल की संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स में देखिए गिलों की आकृति लगभग हसियाकार होती है, हमारी दराती की जैसी होती है, पीछे की ओर गिल परिमाण में धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, अर्थात हम ये कहें कि आगे के गिल छोटे होते हैं और पीछे के गिल परिमाण में धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, अतः प्रत्येक गिल जो होता है वो अपने से अगले गिल की अपेक्षा बड़ा होता चला जाता है, प्रत्येक गिल मध्य में एक छोटे संयोजक यानी क्लोम मूल यानी गिल रूट द्वारा वक्ष भाग से जुड़ा हुआ रहता है, इसी क्लोम मूल से होकर तंत्रिकाएं एवं रुधिर प्रणाल गिल के अंदर प्रवेश करते हैं एवं बाहर आते हैं। पेलिमोन के गिल पर्ण क्लोम या फाइलोब्रैंक होते हैं, अर्थात प्रत्येक गिल पत्ती के समान समचतुर्भुजीय गिल प्लेटों की 2 पंक्तियों का बना होता है, जो कि एक पुस्तक के पन्नों की भांति गिल के लंबे और सक्रिय अक्ष या आधार बेस के साथ समकोण पर जुड़ी रहती है। गिल प्लेटें मध्य भाग में सबसे बड़ी और दोनों सिरों की ओर धीरे धीरे छोटी होती जाती है। अपसारी गिल प्लेटों की दोनों पंक्तियों के बीच एक गहरी मध्यवर्ती खांच होती है, मीडियल लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव पाई जाती है। अगर हम ओती की संरचना एस्ट्रोलॉजी देखें तो एक गिल प्लेट कोशिकाओं की एक परत की बनी दिखाई देती है, जिसके दोनों तलों पर पतली क्यूटिकल होती है। डायग्राम देखिए गिल का एक तिरछा अनुप्रस्थ परिच्छेद डायग्राम में दिखा रखा है, जिसमें बिल्कुल आप देखिए बीच में मीडियल लॉन्जिट्यूडनल चैनल दिख रहा है, ऊपर की ओर पिगमेंटेड सेल है, उसके नीचे की ओर क्लियर सेल्स हैं, उनसे नीचे गिल प्लेट्स हैं, नीचे की ओर गिल बेस है, क्यूटिकल का आवरण है, एपिडर्मिस उसके नीचे है क्यूटिकल के नीचे, और कनेक्टिव टिश्यूज दिख रहे हैं हमें, लेटरल लॉन्जिट्यूडनल चैनल्स हमें दिख रहे हैं, एक गिल का तिरछा परिच्छेद दिखाया हमें। ओती की संरचना में बात कर रहे थे हम, तो परस्पर एकांतरित रूप से व्यवस्थित ये जो कोशिकाएं हैं वो जो है 2 प्रकार की है, वर्णकित पिगमेंटेड एवं पारदर्शी ट्रांसपेरेंट, दोनों प्रकार की होती हैं। परिच्छेद में गिल का आधार लगभग हमें त्रिभुजाकार दिखाई देता है, जो चारों ओर से अधिचर्म द्वारा परिसीमित संयोजी ऊतक से बनता है और बाहर की ओर एक पतली क्यूटिकल द्वारा जो है सुरक्षित रहता है, आवृत रहता है। एक गिल में रुधिर की आपूर्ति की बात करें, ब्लड सप्लाई इन ए गिल
गिल आधार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक तीन अनुदैर्ध्य रुधिर प्रणाल या चैनल्स ब्लड चैनल्स होती हैं और इनमें से दो पार्श्वीय तटों के साथ साथ दोनों ओर होती हैं और पार्श्वीय अनुदैर्ध्य चैनल लेटरल लॉन्जिट्यूडनल चैनल्स कहलाती हैं। तीसरा या मध्यवर्ती अनुदैर्ध्य चैनल मीडियल लॉन्जिट्यूडनल चैनल या मध्यवर्ती खांच के नीचे गिल आधार के शीर्ष भाग में होती है। दोनों पार्श्व चैनल अनुप्रस्थ संयोजकों या ट्रांसवर्स कनेक्टिव द्वारा परस्पर जुड़ी रहती हैं और एक सीडी के समान रचना बन जाती है। पार्श्व चैनल से अपनी ओर के प्रत्येक गिल प्लेट में एक महीन सीमांत चैनल यानी मार्जिनल चैनल होता है जो उसके तट के साथ होती हुई अंत में अनुदैर्ध्य चैनल से मिल जाती है। अब देखिए एक गिल में रुधिर का जो है परिसंचरण कैसे होता है। ब्लड सर्कुलेशन यानी गिल शरीर से अशुद्ध रुधिर एक अभिवाही क्लोम नाल यानी एफरेंट ब्रैंकियल चैनल द्वारा गिल में आता है जो गिल मूल या गिल रूट में प्रवेश करके अपने सामने स्थित एक अनुप्रस्थ संयोजक या ट्रांसवर्स कनेक्टिव में खुल जाता है। रुधिर पहले दोनों पार्श्व नालों में बहता है और फिर सीमांत नालों में बहता हुआ मध्यवर्ती नाल में पहुँचता है। इतना चलने में यह रुधिर ऑक्सीजनित होकर शुद्ध हो जाता है। मध्यवर्ती चैनल से ये शुद्ध रुधिर एक अपवाही क्लोम नाल यानी एफरेंट ब्रैंकियल चैनल द्वारा हृदयावरण या पेरिकार्डियम में ले जाया जाता है। एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें गिल प्लेटों में रुधिर आपूर्ति का डायग्राम है। साथ ही जो है ए वाला तो हम देख चुके हैं, बी वाला एक गिल में रुधिर की आपूर्ति का जो है सी डी का आरेख निरूपण किया गया है जिसको अगर हम देखें तो हमारे को जो है कनेक्शन विद एफरेंट ब्रैंकियल चैनल्स दिख रहा है। ये लेटरल लॉन्जिट्यूडनल चैनल है, मीडियल लॉन्जिट्यूडनल चैनल है नीचे की ओर, ट्रांसवर्स कनेक्टिव्स हमें दिख रहा है और मीडियल लॉन्जिट्यूडनल चैनल दिख रहे हैं हमारे को। उसके बाद में आगे हम चलते हैं, उसके बाद में हमारी जो है श्वसन की क्या विधि है पेलिमोन में, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन इन पेलिमोन। देखिए प्रत्येक जम्बी का यानी मैक्सिलिपीड का स्केफोग्रेथाइट गिल पोस्ट के अंदर आगे की ओर स्थित रहता है। यह अपनी निरंतर लहरदार गतियों द्वारा पोस्ट के अगले खुले हुए सिरे से जल को बाहर प्रवाहित करता रहता है। जम्ब पादपों के बहिर्पादांश एक्सोपोडाइट स्केफोग्नेथाइटों के कार्य में सहायता करते हैं। गिल कोस्ट के पिछले छोर से स्वच्छ जल की धारा अंदर प्रवेश करती है। यह जलधारा क्लोमावरकों के अंदर के आस्तक गिलों एवं अधिपादों के ऊपर से होकर गुजरती रहती है। इन श्वसन अंगों में रुधिर की आपूर्ति अधिक होने के कारण गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। अत्यंत कोमल एवं पतली गिल जो है गिल प्लेट विषरण द्वारा गैसों के विनिमय में पारगम्य झिल्लियों एयर परमिबल मेम्ब्रेन्स की भांति कार्य करती है। जल में घुली ऑक्सीजन रुधिर में से ले ली जाती है और रुधिर की कार्बन डाइऑक्साइड जल में मिश्रित कर दी जाती है। थैंक यू।